So today we are going to talk about culture and imperialism. We are going to discuss past papers related to culture and imperialism. And before discussing culture and before discussing important questions related to culture and imperialism, I would like to talk about what is culture and what is imperialism. इन दो चीज़ों पे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगा. आई एम श्योर कि इसके बाद आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा. पूरी दुनिया पे ताकत की एक जंग चल रही होती है, ताकत की, इकतेदार की एक जंग चल रही होती है. जो पावर्स होती हैं ना, यानी कि जो मुल्क होता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जो है उसको वो बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता है. उस कोशिश के लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं. मैं उसमें से एक तरीका आपको बताता हूँ तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जब आप मूवीज़, इंडिया की जब आप मूवीज़ देखते हैं तो इंडिया की मूवीज़ के साथ साथ वहाँ पे तकरीबन जितने भी मूवीज़ हैं उनके अंदर वो अपना अपनी जो शादी है वो और अपनी इबादत, वो मंदिर जाना वो ज़रूर दिखाते हैं. और तीसरी बात, वो अपना कोई ना कोई मौत का मंजर कि हम किस तरह अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं. ये तीन चीज़ें तकरीबन वो अपने सारे की सारी मूवीज़ में दिखाते हैं. कंटेंट बहुत अच्छा हो, मूवी बहुत हिट हो, लेकिन उसके अंदर मज़हब ज़रूर चल रहा होता है. ये एक एम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है कि वो ये वो आपके ऊपर अपना कल्चर, अपना मज़हब जो है उसको भी इम्पोज़ करते हैं. जहाँ वो आपको मूवीज़ दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे आपको वो दिखा रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं गाने के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, सीन्स के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए, वहीं साथ साथ वो अपना मज़हब भी प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, अपना कल्चर भी प्रोपेगेट कर रहे होते हैं. क्योंकि उनका मज़हब उनके कल्चर को ही दिखा रहा होता है कि हिंदू कल्चर जो है वो ये दिखाता है कि किस तरह वो अपने मुर्दों के साथ ट्रीट करते हैं, शादी उनकी किस तरह वो देखी जाती है. आप देख लें, आपने देखी होंगी मूवीज़ अगर, तो उसमें भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी. वो सब कुछ वो जब वो कर रहे होते हैं तो गैर महसूस अंदाज से हम उसके ज़ेरे असर आ जाते हैं. ज़ेरे असर आते हैं, हम किस तरह ज़ेरे असर आते हैं कि जिस तरह उनकी शादियां एक एक महीना चलती हैं, हम भी एक एक महीना शादियों पर चलाते हैं. वो एक एक जो रस्म वो पूरी करते हैं, हम भी वो रस्में चला रहे होते हैं. तो उसके पीछे यही सीन होता है सारे का सारा, कि हमारे ऊपर उसका एक असर होता है, जिस असर को हम लेके चल रहे थे, जिस सोच को हम, जो सोच हमारे अंदर परवान चढ़ चुकी. ये वो कल्चरल की ये एक तहजीबी यलगार है जिसका जिसके लिए अदब का सहारा लिया जाता है. तहजीब की यलगार के यलगार को मुसल्लत करने के लिए अदब का सहारा लिया जाता है और ये इसी तरह चल रहा है. और जब ये सहारा लिया जाता है तो उनके अदब में से भी ऐसी बातें, लिटरेरी टेक्स्ट या लिटरेरी एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो दिखाते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाए जी कि मैं जो है ना, गोरे जब आपस में बात करते हैं वो कहते हैं हम हिंदुस्तान जाएंगे सैर सपाटा करने के लिए, हम फलाने मुल्क में जाएंगे. वहाँ पे वो चीज़ें, वो इंडिकेटर मिल रहे होते हैं. डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंडिकेटर नज़र आ रहा होता है कि ये मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर काबिज़ है, वहाँ से चीज़ें मंगवाएंगे, वहाँ से मंगवाएंगे. तो खैर, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एक बैकग्राउंड आइडिया दिया कि कल्चर कितना असर करता है. अब इस कल्चर के साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक है एम्पीरियलिज्म और एक है कलोनियलिज्म. पहले मैं कल्चर का बता दूं, एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मीनिंग और सिंबल्स है जिसके ज़रिए सोशल इंटरेक्शन होती है, जिसके ज़रिए जो सोशल सिस्टम जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन का वो चल रहा होता है. अब किस तरह कल्चर, हम कहते हैं जी कि हमारे कल्चर में लड़की और लड़का गाड़ी में एक साथ नहीं बैठते, हमारे कल्चर में औरतें जो अबाया पहनती हैं, हमारे कल्चर में औरतें और मर्द एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते. अब ये हमारा कल्चर है, हमारी ये तहजीब है. इस तहजीब को जब आप देख रहे होते हैं तो इसको आप जब आप डीपली या जब आप देखें कि यार इसके साथ ये तहजीब बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसकी शनाख्त है. अब इसमें किसी का मुसलमान होना या ना होना ये एक अलहदा चीज़ है. गाड़ी में आप बैठे हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि क्रिश्चियन औरत बैठी हुई है तो उसके साथ मर्द बैठ जाएगा, ये नहीं होता.
एक ऑर्डर्ड सिस्टम है जिसको हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। हम अपना कल्चर ले के चल रहे होते हैं, वो कल्चर हमें क्या कहते हैं, उस कल्चर के ज़रिए हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं, ये जब आती हैं किसी भी मुल्क में, जब वो तो इसी कल्चर की, पहले वो तहजीब की यलगार लेके आती हैं। तहजीब के ज़रिए यानी कि वो एक टॉलरेंस क्रिएट करती हैं, बर्दाश्त क्रिएट करती हैं। एक इम्पीरियलिस्टिक पावर जब आएगी ना, तो वहाँ पे वो आएगी। इसीलिए अब कल्चर को एक उसने एक क्या कहते हैं, गीड्स एक कल्चर का एक वो साइंटिस्ट है, उसने भी इसको डिफाइन किया। उसने कहा कि आर सोसाइटी जो है उसका जो बेसिकली जो बेस्ट रिजर्वायर है उसकी थॉट का, उसकी सोच समझ बूझ का, वो कल्चर ही होता है जो दिखाता है कि ये सोसाइटी क्या है। ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर्ड सिस्टम है जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि इन अल्फाज की आप क्या मतलब लेते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यूएसए में हम सन 2014 में हम यूएसए में फिर रहे थे। इस तरह रोड के ऊपर मैं अपने दोस्त के साथ फिर रहा था, हमने हाथों में हाथ डाले हुए थे, दोनों मर्द थे हम। तो वहाँ हमारा जो साथी था तो उसने कहा कि यार जी आप इस वक्त यूएसए में हैं, पाकिस्तान में अगर आप हाथों में हाथ डालेंगे तो इसको वो मोहब्बत दिखाएंगे कि ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, गर्मजोशी हैं इनके अंदर। ठीक है, एक माइंड सेट है इस तरह का, लेकिन यहाँ पे ये इसको होमोसेक्सुअल के सेंस में लेंगे कि दे आर होमोसेक्सुअल्स। यानी वो कल्चर कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, कोई और सिम्बॉलिक मीनिंग यहाँ से लेगा। तो ये चीज़ें, ये एक कल्चर की एक शनाख्त, यानी कि एक ऑर्डर्ड सिस्टम है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक मर्द ने दूसरे मर्द के हाथ में हाथ डाला हुआ तो कोई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसी बात कोई भी नहीं है। लेकिन वहाँ के लिए ये इंडिकेटर मिल रहा होता है कि ये क्या है। खैर, अब इसी बात को आगे लेके चलूँगा, पहले इम्पीरियलिज्म की बात करूँगा कि जब एक मुल्क ताकत में आता है तो वो फिर कोशिश करता है कि अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करें। अब बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने के मुख्तलिफ तरीके, वो कल्चर के ज़रिए, तहजीब की यलगार के ज़रिए भी एक्सटेंड करता है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी जुबान बोलते हैं, बांग्लादेश और नेपाल में रहने वाले लोग हिंदी जुबान नहीं बोलते हैं, हिंदी उनकी जुबान नहीं है, लेकिन वो हिंदी बोल भी सकते हैं, वो हिंदी समझते भी हैं। इवन अफगानिस्तान में बसने वाले लोग भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझते भी हैं, हिंदी बोलते भी हैं। ये वो कल्चर की यलगार है, ये वो इम्पीरियलिज्म है कि उन्होंने किस तरीके से दूसरे मुल्क के ऊपर, दूसरी सल्तनत के ऊपर अपना असर छोड़ा हुआ, यानी अपनी पावर को किस तरीके से आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है अपनी पावर को एक्सटेंड करने का, जो कि हिंदुस्तान का है। मैं आपको आपकी आपकी रियल लाइफ एग्जांपल से दे रहा हूँ ना। एक पॉलिसी होती है यार मुल्क की, अपनी पावर को दूसरे, अपने बॉर्डर से बाहर निकाले और फिर एक्सप्लॉयट करें उनकी लैंड्स को, उनके लोगों को, और वहाँ पे वो अपना इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करें। अब यहाँ एक बात तो आपको समझ आ गई कि तहजीब के ज़रिए आया। अब यही तहजीब, तहजीब के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद भी वहाँ पे सरायत करना शुरू हो जाता है। आप अपने मुल्क में देखिए, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, सिमिलर सिमिलर स्टोरी हमारे मुल्क में भी चल रही है। आप चाइना की मिसाल ले लें कि चाइना ने सीपैक बनाया, वो के एक अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि चाइना हमारे मुल्क के अंदर आ घुसा। अब वो यहाँ की माशी मईशत को, पॉलिटिकल सिस्टम को, हर चीज़ को देखेगा, आहिस्ता 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 वो अपना असर छोड़ेगा। इसी तरह पुराने ज़माने में, यानी कि पहले ये होता था जंग अजीम के बाद आके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आके ये लोग एक किसी एक चीज़ पे डिसाइडेड हुए, वरना तो ये कबाइल की सूरत में रहते थे और यही सिचुएशन थी इनकी। ताकत की ही सारी लड़ाई थी, ताकत की खातिर ये जंगें चलती थी। ये मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, देखो जानो सुनो, एक यूट्यूब पे चैनल है, देखो जानो सुनो। उस पे ये आपको वो तारीख़ के मुख्तलिफ जो अदवार हैं उनके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें वो बंदा बता रहा होता है ना, जब आप उसको गौर करें, उसका थीमेटिक आइडिया निकालेंगे तो वो यही है कि इंसान कबाइल की सूरत में ज़िंदा रहा और ये ताकत की खातिर ये कबाइल की सूरत में चलते रहिए। मज़हब वगैरह ये सब कुछ साइड पे होता गया, मज़हब की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की हद तक महदूद है। बाकी जो मामलात थे वहाँ पे बहुत से केसेस में आपको पता चलेगा कि मज़हब अपनी साइड पे हुआ, ये तो सारे
अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए निकलते रहे। क्योंकि जब इन्होंने देखा अपने मुल्क में इनके जो कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि ऐसा रिसोर्सेज हैं जो कि कम है, और जब दूसरे मुल्क में वो चीज़ें उनको नज़र आई, तो वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने की ये कोशिश करते हैं। और ये ताकतवर हमेशा इस तरह करता है। ताकतवर कैसे करता है? अफगानिस्तान आया अमेरिका तो किस लिए आया? पोस्ट की काश के लिए। उसको तालिबान से कोई गर्ज नहीं था, पोस्ट उसका टारगेट थी, पोस्ट कि मुझे यहाँ पे वो, उसने एक पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लिया वहाँ पे, वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत है उसकी, और उसको पोस्ट की काश है, पोस्ट उसको वहाँ पे पहुँचती रही, हेरोइन उसको पहुँचती रही, ड्रग्स वो मटेरियल उसे पहुँचता रहा। इसी तरह हिंदुस्तान जब में जब वो आया, बरतानिया जब आया, तो वो भी एक सोने की चिड़िया थी, उसकी भी लूट मार करने के लिए आया। ये कंट्रोल है, ये ताकत है, उसकी मईशत को, उसकी सोसाइटी को, और सियासी तौर पे उस मुल्क को कंट्रोल किया जाए। अब ये कंट्रोल करने के लिए जब आप पार्ट टू में जाके आप नॉवेल्स को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, हार्ट ऑफ डार्कनेस को आप पढ़ेंगे, अगर आप सरगोधा यूनिवर्सिटी में आए तो फिर आप उसको पढ़ेंगे, अ पैसेज टू इंडिया को, अच्छा थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़ेंगे, तो आपको ये इंस्टेंसेस वहाँ पे मिलेंगे। और फिर जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं? एम्पीरियलिस्टिक पावर जब जाती हैं तो मैं आपको आपको एक बात बताऊं, ये नारा लगाती हैं तहजीब का, ये नारा लगाती हैं जमहूरियत का, ये नारा लगाती हैं आज़ादी का। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि इनकी जो खूनखारी है वो उन लोगों से ज़्यादा तबाहकुन होती है। उसकी वजह से फिर जो लिटरेचर वहाँ पे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता है, यानी इनकी तबाही के बाद वहाँ पे जो जो कुछ ये तबाही मचाते हैं, और जब ये वहाँ से लूट मार करके वापस होते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ का अदीब जो कुछ लिखता है ना, तो वो बताता है इन्होंने हमारे कल्चर को ही तबाह कर दिया। कल्चर बेसिकली शनाख्त होती है, जैसे हमने पहले बात की कि एक ऑर्डर, एक सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। एम्पीरियलिस्टिक पावर आके तहजीब को भी, उसके ऊपर भी नकब लगाती है, वहीं पे वो जो नौजवान हैं उनकी सोच बदल चुकी जाती है। ट्वाइलाइट इन दिल्ली जब आप पढ़ेंगे पार्ट टू में, थिंग्स फॉल अपार्ट जब आप पढ़ेंगे, इन दोनों में आपको यही पता चलेगा। और हार्ट ऑफ डार्कनेस में आप देखेंगे कि एम्पीरियलिस्टिक पावर्स ने एक नारा लगाया, तहजीब का नारा लगाया, और उसके बाद हालात ये हुए कि एक शायर ने कहा था कि आज तुम्हारी खूंखारी पर हैरत है हैवानों को, कल तो तुम तहजीब सिखाने निकले थे इंसानों को, कैसा शौक चुराया तुमको शहरों की बर्बादी का, जगह जगह आबाद किया है तुमने कब्रिस्तानों को। नारा लगाते हैं वो, तहजीब का नारा लगाते हैं, लेकिन कुत्तों को चूमने वाले जो हैं वो इंसानों को कत्ल करते हैं। ये एम्पीरियलिस्टिक पावर्स का ये डार्क चेहरा है, ये अगली फेस है जिससे ये लोग मास्क, इसके ऊपर जो एक उस अंधेरे चेहरे के ऊपर, उस खूनखार चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा हुआ होता है, वो मास्क क्या लगा हुआ होता है? तहजीब का। इराक में आए हैं जमहूरियत का, हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तहजीब का, अफ्रीका में गए हैं लोगों को क्या कहते हैं इनलाइटनमेंट के लिए, उनको अंधेरे से निकालने के लिए, लेकिन बात दरअसल नहीं थी ये, बात ये थी कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया, उनकी तहजीब को तबाह किया, उनकी शनाख्त को तबाह किया, और वहाँ पे जो कुछ एसेट्स मौजूद थे, जो रिसोर्सेज मौजूद थे, उनको बेदर्दी से लूटा। ठीक है, सो ये चीज़ें दोनों, अच्छा इसमें एम्पीरियलिस्ट में ये होता है कि ये दूर से कंट्रोल हासिल करता है। एम्पीरियलिस्टिक पावर जो है वो दूर से बैठ के कंट्रोल हासिल करती है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, उसके लिए इन्हीं चीज़ों का ये सहारा लेते हैं अपने कल्चर का, और फिर ये टकराव चलता है। एक डोमिनेंट कल्चर है, एक डोमिनी का कल्चर है, एक इंडिजनस कल्चर है, एक जो है ना वो जो है आउटसाइडर का कल्चर, ये आपस में टकराते हैं। और एक दूसरा मामला होता है कि ये वो ख़ुद उधर पहुँच जाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं वहाँ पर, कॉलोनीज़ बनाते हैं वहाँ पे रहते हैं, अपने कैंट बनाते हैं, जैसे हिंदुस्तान में आए, इस बरसग़ीर में आए गोरे, जैसे इराक में गए, अफगानिस्तान में गए, तो ये उधर ही पहुँच गए, यानी कि वहाँ रहना शुरू कर दिया, वहाँ रह के इन्होंने खुद डायरेक्ट कंट्रोल किया है। दो तरीके हैं कंट्रोल करने के,
खुद आके वहाँ पे कंट्रोल करें तो कॉलोनियलिज्म होगा, और अगर वो दूर से कंट्रोल करें, डिस्टेंट टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ खुद नहीं जा रहे बल्कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो फिर वो अपने मकासद पूरे करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं वहाँ की ज़मीनों को, वहाँ की हर चीज़ को। IMF के ज़रिए, यूनाइटेड नेशंस के नाम पे IMF का जो इदारा यूनाइटेड नेशंस का बना, वो यही काम करता है ना। उसने हमारे मुल्क के ऊपर भी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और वो अपनी मर्ज़ी के कानून यहाँ पे चलाता है। हमारे मुल्क में इसी तरह चलता है, गरीब को इसी तरह पीसा जाता है। खैर, बात अपने टॉपिक की तरफ दोबारा लेके जाऊंगा। कभी इंपीरियलिज्म की बात, इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म ने कभी भी इंसान बनी नो इंसान को फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि ये तो भूखे थे, नंगे थे ये, और ये सारे के सारे ये नंगे थे, और ओवरसीज मार्केट, रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर और प्रॉफिटेबल लैंड के लिए ये मारे मारे फिर रहे थे, और इन्होंने जहाँ गए वहाँ की टेरिटरी को कंट्रोल किया ताकत के ज़रिए, और फिर वहाँ से उन अंडर डेवलप कंट्रीज से इन्होंने प्रॉफिट हासिल किया। दो ही मकासद थे इंपीरियलिज्म के, पहला क्या कि वहाँ कंट्रोल हासिल करना है, अपनी ताकत को वहाँ पे मनवाना है, दूसरा वहाँ पे जो कुछ है उसकी लूट मार करनी है। ये दोनों काम ये करते हैं इंपीरियलिस्टिक पावर्स। अब कल्चर और इंपीरियलिज्म का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? हमने इंपीरियलिज्म की बात की कि वो वहाँ से आते हैं, कॉलोनियलिज्म भी होता है कि अगर वो वहाँ के डेरे लगा लें। कल्चर इंपीरियलिज्म का ताल्लुक क्या है? एडवर्ड सैड ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया, रिलेट किया बार बार, और अपने इन लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को साबित करना चाहता है कि इन ये आपस में रिलेटेड है। उसने ज़िंदगी को और पर्स्पेक्टिव में देखा, और उसने बेसिकली दिखाया उसने, क्योंकि उसका अपना बैकग्राउंड एक कॉलोनाइज कंट्री का था। एडवर्ड सैड बेसिकली, आपको अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ, बेसिकली ये पैलेस्टीनियन ज्यूज है, ज्यू है, ठीक है, फलस्तीन का यहूदी था एक, ठीक है। वो इलास्ट्रेट करता है जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है। कॉलोनाइज कंट्री के बैकग्राउंड होने की वजह से वो जानता है कि इंपीरियलिज्म के क्या ड्रॉबैक्स हैं, और इससे किसी कौम के साथ क्या होता है, क्या क्या खिलवाड़ होता है। मैंने अभी आपको बताया भी कि तहजीब सुपीरियर कल्चर, इन्फीरियर कल्चर के ऊपर असर छोड़ता है, उसकी तहजीब को तबाह करता है। तहजीब किसी कौम की शनाख्त होती है। जब बाहर से आने वाला बंदा, बाहर से आने वाला जो इन्वेडर होता है, वो अपनी तहजीब ले के आता है, वो ताकतवर होता है, वो वहाँ के रहने वाला जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको ख़त्म कर देता है, उसको बिल्कुल वो बैकग्राउंड में चला जाता है। अगर आप पठान नहीं हैं तो मैं आपको बताता हूँ, पेशावर जो शहर है, पेशावर शहर की जो अपनी ज़ुबान है वो है हिंदू को, लेकिन जब अफ़गान इन्वेडर्स जब वहाँ पे आते थे, हमलावर जब आते थे, तो ये सिर्फ मरकज़ का जो शहर है ना, वहाँ तक तो ये ज़ुबान अभी भी, आज भी उसी तरह एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके मज़ाफ़ात में ये ज़ुबान ख़त्म हो चुकी है। वो इन्वेडर वहाँ पे आया, उसने अपनी कॉलोनीज बनाई, उसने बसेरे किए, वहाँ के लोगों की ज़ुबान अब हिंद को नहीं है, वहाँ मेजॉरिटी में जो ज़ुबान चल रही है वो पश्तो चल रही है, जबकि असल ज़ुबान वहाँ की हिंद को है, जो वहाँ के जो असल बासी, जो असल जो उसका बासी है पेशावर का, वो हिंद को स्पीकर है, लेकिन वहाँ हिंद को अब तकरीबन यानी कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज अब वो नहीं रही। ये वो चीज़ें हैं, ये ज़ुबान के साथ कल्चर भी मुतासर हुआ, क्योंकि सिख अगर पश्तो बोलता है तो क्या वो पठान हो गया? वो पठान तो नहीं होगा, पेशावर का रहने वाला है, सिख है तो पठान तो ना होगा ना। तो पठान का ताल्लुक उसकी ज़ुबान के साथ नहीं है सिर्फ, बल्कि वो इन सारी चीज़ों के साथ है जो मैंने आपको अभी बताई। अच्छा, अब आगे आई एम श्योर कि आपको एक आइडिया, एक स्केच आपको मिल गया होगा कल्चरल इंपीरियलिज्म का। अब इसमें आगे जो आपने जो बात की, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको हम थोड़ा सा अभी लेके आगे चलते हैं। मैंने तो आपको एक आइडिया दिया, कोई जहन में आपके कोई कॉन्सेप्ट बना के क्या चीज़ है कल्चरल इंपीरियलिज्म? एडवर्ड सैड जो है ना, वो उसके माइंडसेट के हिसाब से वो कहता है जी कि आप किस तरह इसको रेजिस्ट
हार का जो कल्चर आता है, हाउ विल यू रेजिस्ट इट? कल्चरल इंपीरियलिज्म इन द मॉडर्न टाइम्स, टेक एडवर्सैड थेरेटिकल पोजिशन एंड डिवेलप योर ओन नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस। आप अपनी बताएंगे कि आप किस तरह इस कल्चरल इंपीरियलिज्म को रेजिस्ट कर सकते हैं। मैंने बता भी दिया, थोड़ा सा आइडिया भी आपको दे दिया कि आपने अपनी ज़ुबान को, अपनी शनाख्त को आपने मेंटेन करके रखना है कि जब ये सब कुछ आ रहा है, हिंदुस्तान का कल्चर आपके सामने आ रहा है, तो आपने उसके आगे बंद बांधना है, आपने उसके आगे बंद बांधना है। यू हैव टू बी कल्चर कॉन्शियस। व्हाट इज योर कल्चर? यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। कल्चर का तल्लक आपकी ज़ुबान से है, आपके रहन सहन से है, आपकी बोल चाल से है, आपके खाने पीने से है, आपके लिबास से है। खाने पीने से इस तरह के मेहमान आता है तो आप कैसे ट्रीट करते हैं, बाहर के कल्चर में क्या हो रहा है, आपके कल्चर में क्या होता है, लिबास आप कौन सा पहनते हैं, वो कौन सा पहनते हैं, बोल चाल, अल्फाज की सिलेक्शन। जैसे किसी ज़माने में हम जब बोलते थे, हमारे बड़े जब बोलते थे, वो आप करके बोलते थे, आप से तुम से तू तक बात आ गई है। हमने उस कल्चर को रोका नहीं है। हिंदुस्तान से तू, हिंदुस्तान से आया, हमने तू को भी कबूल किया और तू के चक्कर में हमने अपनी ज़ुबान को भी, अपनी शनाख्त को हमने रगड़ दिया। सो हम किस तरह रजिस्ट करेंगे? हम कल्चर के मामले में कॉन्शियस रहेंगे कि हमने इस यलगार के आगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये यलगार चल रही है। जब मौलवी ये कहता है ना कि भाई ये सिनेमाओं पे हिंदुस्तान की मूवीज़ मत चलाओ, तो कहते हैं मौलवी को बहुत तकलीफ़ है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जब कहेगा ना, जब आप मूवी चला रहे हैं तो बेसिकली आप कल्चरल एम्पीरियलिज्म के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, उनका अदब यहाँ आ रहा है, आप उसके लिए रास्ता हमवार करें, और इसके ज़रिए आप अपनी जो शिनाख्त है, बैसियत कौम, उसको तबाह कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर इसको हवाला देते हुए उसने, एडवर्ड सैड ने उसका रेफरेंस दिया था थिंग्स फॉल अपार्ट का, कि जब वो आए गोरे, जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। मज़हब तो तब्दील किया, लेकिन मज़हब के साथ साथ उनके कल्चर के ऊपर भी उन्होंने गहरा असर छोड़ा, उनकी ज़ुबान के ऊपर भी गहरा असर छोड़ा, उनकी ज़ुबान भी मुतासर हुई। सो इसी हिसाब से, इसी बैकग्राउंड में आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। इसके बाद कल्चर एक प्रोटेक्टिव इंक्लोजर है, मैंने अभी आपको बता भी दिया, और इसकी कुछ पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं। वही कल्चर की पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के, तहजीब एक प्रोटेक्टिव, किस तरह प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टर है ये, आप इसको जब इसको इस तरह देखते हैं, रेजिस्ट की बात जैसे मैंने अभी की, एम्पीरियलिज्म भी मैंने बता दिया, मोटिव्स कुछ होते हैं ना, इसको चले पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ, कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं ना। इकोनॉमिक, जब आप उसकी देखें ना एम्पीरियलिज्म की इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस, वो भी आपको पता चलेंगी कि डोमिनेट जो पावर्स हैं वो मोटिवेट करती हैं दूसरे पावर्स को कि आप हमें ये चीज़ें दें, हम आपको ये बना के देंगे। फिर जब बना के देते हैं, पहले वहीं से माल उठाते हैं, वहीं जब वो वापस बनी चीज़ देते हैं तो वो 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज़्यादा लेते हैं। असरात तो वो आपने देखे कि असरात तबाहकुन थे, लेकिन जब आप इस सवाल को देखते हैं कि कल्चर एक प्रोटेक्टिव इंक्लोजर है और इसकी कुछ पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, तो यही बात दोबारा चलेगी, यही आइडिया आप दोबारा डिस्कस करें कि एक प्रोटेक्टिव इंक्लोजर किस तरह है। तहजीब आपको बचा रही है, तहजीब आपकी शनाख्त को प्रिजर्व कर रही है, उसी के ज़रिए आप पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, शनाख्त होती है आप, ठीक है, आपके लिबास से, आपकी तहजीब से, आपकी सकाफत से आप पहचाने जाते हैं। तो कहते हैं कि जब ये तहजीब नहीं होगी, इस कौम की शनाख्त नहीं होगी, वो कौम, उसका नाम कहीं पे नहीं होगा। असल बात ये है कि हम जब मुसलमान हैं तो हमारी एक सकाफत है, एक हमारा माजी है। जब दूसरा कल्चर हमारे ऊपर असरंदाज होगा, हिंदुस्तान का कल्चर, इंडियन कल्चर, तो क्या होगा? आप सिचुएशन देख लें, मैंने अभी पहले भी बता दिया आपको,
कि इसने कल्चर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपकी आइडेंटिटी को, जिसके ज़रिए आप दूसरों से जुदा नज़र आते हैं, मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी और ये पाकिस्तानी है। ये पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है कि किस तरह कंट्रोल कर लिया मुसलमानों को, कैसे कंट्रोल कर लिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अब हिंदू हिंदू कल्चर को अब एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। उनके लिए ये एक आम सी बात है, ये सरेआम औरतों का, एक मर्द औरत और मर्द का उस तरह की हरकत और सकना, हाथ मिलाना, एक साथ बैठना, ये वहीं से पहुंचा और यहाँ पे भी उसका असर शुरू हो गया। उसने आपकी शनाख्त को प्रोटेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब आपने अपनी शनाख्त को छोड़ा तो फिर आप किसी और की शनाख्त पे आ गए, या आप हाइब्रिड हो गए, या फिर आप कुछ भी नहीं रहे, आपकी कोई शनाख्त ही नहीं रही। इसी चीज़ पे वो ज़्यादा पीटता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि उसने क्या क्या एविडेंसेस दिए कि ये एक ईवल है, एम्पीरियलिज्म एक ईवल है, ठीक है, कंडेम करता है उसको। मैंने आपको बताया कि ये किस तरह ईवल है, कि जब ये वो इसके पीछे जो मोटिव्स हैं, जो मकासद हैं, वो कौन से हैं, कि वो जाते हैं नारा जो लगाते हैं, वो नारा क्या है, तहजीब का नारा है, आज़ादी का नारा है, जमहूरियत का नारा है, इनलाइटनमेंट का, लेकिन उसके पीछे जो कैपिटलिस्ट पावर्स होती हैं, जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर कुव्वतें हैं, वो अपने इकोनॉमिक गेंस की खातिर सब कुछ कर रही होती हैं, और वहाँ से वो सब कुछ लूटते हैं। ये जो हमारे जो अफ्रीकन लोग हैं ना, अफ्रीका के लोग, इथोपिया के लोग, सूडान, इथोपिया, जो अफ्रीका है सारा, ये यहाँ जाते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस के मिशन जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज़ नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स। अब तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली अमेरिका का एक ज़ेली इदारा, दूसरे अल्फाज में समझ लें, या इन एम्पीरियस्टिक पावर्स का ज़ेली इदारा है, और इन्हीं के ज़रिए काम वही कर रहा है, ये सब कुछ वही काम करते हैं। अभी आज ही यूएन का मिशन गया हुआ है जी अफ्रीका में, गया हुआ है जी फलाने अफ्रीका में, फलानी जगह पर, वो बेचारा काला जो है, उसकी रंगत काली जो निकल आई, उसको जितना इनका बस चलता है ना गोरे का, उतना उसको वो एक्सप्लॉयट कर रहा है। काले रंग का बंदा आपको अमीर नहीं नजर आएगा। दुनिया जहान का जो रिसोर्स है, जो प्रिजर्व्स हैं, नेचुरल प्रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे उन जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से गोरा लूट के लेके जा रहा है, लूटता है। ये वो अगली चेहरा है जो इसने एक्सपोज किया, ठीक है। अब आपने अगर डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है ना, इसको, इसके लेक्चर्स को सुना हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया मज़ीद मिल भी जाएगा कि किस तरह उसने मास्क उतारा है, इम्पीरियलिज्म को एक ईवल के तौर पे कंडेम किया, जो उसके ऊपर एक नकाब लगा हुआ था, उस नकाब को उतार के फेंका, दिखाया कि भाई साहब असल बात ये नहीं है, ये तहजीब सिखाने नहीं निकले, ठीक है। ओवरसीज मार्केट की हंगर थी इनके अंदर, रॉ मटेरियल की, चीप लेबर की, फर्टाइल लैंड की, तो एज एन एम्पायर यूनाइटेड स्टेट्स आगे बढ़ा, सोवियत यूनियन आगे आया, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, बेल्जियम, ये सारे के सारे, ये सारे ये काम करते रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, यानी एक्सपेंशन की खातिर, ताकत हासिल करने की खातिर उन्होंने ये सब कुछ किया। इन्हीं चीज़ों को फिर उसने अदब से दिखाया कि इन ममालिक के जो अदीब हैं, उनका रवैया भी फिर इसी तरह का होता है। ख़ास तौर पर उसने कॉन्रेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात की, उसने कहा देखो इसने लिखा, जोसेफ कॉन्रेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा, तो वो एक नॉन नेटिव था, एक ही लैंड पे, अफ्रीका की लैंड के ऊपर एक नावल लिखा जा रहा है। जब वो गोरा लिखता है तो गोरा बहुत बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इससे नहीं बच पाता, वो उनको नेग्रूज कहता है, उनको काले कहता है, और गोरे को वो वाइट मैन कहता है। जबकि वहाँ का रहने वाला जब लिखता है तो वो लोगों के नाम लेता है, और नाम लेने के साथ साथ वो उसका जो है, जो उसका वो है ना, वो भी एक्सपोज करता है, क्या कहते हैं उसको, जो अगली चेहरा है उसको भी वो एक्सपोज करता है। ठीक है।
समझ आ रही बात जी? कोई क्वेश्चन की समझ आ रही है? हाँ जी बोले ना। यस सर आ रही है। चले अच्छी बात है जी। अच्छा अब इसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये चीज़ें मैंने अपने नोट्स के अंदर भी डिस्कस की हैं। आई डोंट नो कि आपने उनको देखा नोट्स को के या नहीं देखा। अच्छा अब इसके बाद कल्चरल एम्पीरियलिज्म के अंदर अगला है जी वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कल्चरल एम्पीरियलिज्म डेमोन्स्ट्रेट दैट वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म द मोस्ट फॉर डोमिनेट अदर कल्चर हैव बीन लिटरेरी ने इन नेचर सच एज पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक। कि इसके ज़रिए भी ये पता चलता है ना। कहता है कल्चरल एम्पीरियलिज्म ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म का जो सबसे इफेक्टिव टूल है दूसरे कल्चर की वो है लिटरेरी इन नेचर। जितना पोलिटिकल और इकोनॉमिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ लिटरेरी टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा अब यहाँ पे क्या चीज़ है वही डोमिनेंस जो मैंने पहले बात की कि जहाँ वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के साथ साथ वो चल रहे हैं ना तो अपने डोमिनेंस को वो अपने लिटरेरी टेक्स्ट के ज़रिए भी दिखाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन उसने पूछा ही इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने पूछा हुआ है कि अदब के साथ कौन कौन से हवाले इसके हैं। कि अदब से आपको कहाँ से पता चलता है कि ये एम्पीरियलिज्म का टच है या कॉलोनियलिज्म का टच है इसके अंदर। तो इसमें चार्ल्स डिकन्स के नावल्स को उठाया उसने, जोसेफ कॉनरेड के, रुडियार्ड किपलिंग के नावल को, जेन ऑस्टन के नावल को, उनके बारे में उसने बातें की। फिर कॉनरेड के बारे में जैसे उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिस्कस किया उसके अंदर उसने फिर बताया कि भाई किस तरह एक वो सिवियरेस्ट इंडिकमेंट है एम्पीरियलिज्म की ये कि फॉर द एंटरप्राइज ऑफ एम्पायर डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ हैविंग एन एम्पायर एज जोसेफ सो पावरफुली सीम्स टू हैव रियलाइज्ड इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। और वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन अस इन द मॉडर्न पीरियड द मॉडर्न एम्पीरियलिस्ट एंड द रोमन्स इज दैट रोमन्स वर जस्ट द लूट द रोमन्स वर देयर जस्ट फॉर लूट दे वर जस्ट स्टीलिंग बट वी गो देयर विद एन आइडिया। वो सिर्फ रोमन्स के बारे में साथ ही इसमें बात करते हैं ना। वो कहते हैं कि रोमन्स जाते थे वो लूट मार करते थे लेकिन हम एक आइडिया भी साथ लेके जाते हैं, नारा लगाते हैं तहजीब का है। आज तुम्हारी खूंखारी पे हैरत है हैवानों को, कल तो तुम तहजीब सिखाने निकले थे इंसानों को। तो ये चीज़ें दिखा रहे हैं ना कि अदब के अंदर भी आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग का जो नावल है किम, उसको उसने डील किया वहाँ पे, इंडियंस को एज इन्फीरियर डील किया गया। इसके अलावा भी आप भी देख सकते हैं कि जो पैसेज टू इंडिया उसके अंदर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये एक सेंटेंस भी वहाँ पे दिया हुआ कि क्लब के अंदर डॉग्स और इंडियंस को जो नेटिव्स हैं उनको इन्फीरियर के तौर पर ट्रीट किया गया है। तो वो दिखाता है कि देखो ये तो खुद ये अदीब किस तरह इनको पोर्ट्रे कर रहा है, दिखा रहा है अदीब भी कि ये हमसे कमतर है। और किपलिंग जिस तरह डील करता है तो कहता है कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है इंडियन नेशनलिज्म को वो करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने में। इसी तरह जेन ऑस्टन के नावल मैनसफील्ड पार्क के अंदर भी बात की गई है। तो लिटरेरी इन नेचर में क्या हुआ कि लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर किस तरह आपको एम्पीरियलिज्म नज़र आता है कि इन अदीबों के अंदर साथ भी ये मसले हैं, इनके दिमाग भी ख़राब हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे ये जोसेफ कॉनरेड की
बात जब ने की तो उसे रंग की बात की, काले और कोहरे की, तो वहां से पता चलता है। इसी तरह चार्ल्स डिकन के नावल के अंदर भी एक जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वहां पे भी आपको इसके इंस्टेंसेस मिलेंगे। ये चीजें दिखाती हैं कि इंपीरियलिज्म में जिस तरह आप जब वो जहाँ पे सोशल या इकोनॉमिक कंट्रोल हासिल करते हैं वहाँ इनका अदब भी उसी तरह चल रहा है। इनके अंदर वो सोच वो माइंडसेट चल रहा होता है, इनका मिजाज वो बन चुका है, इनका अदब भी यही कुछ दिखाता है, दुनिया को यही वाला चेहरा दिखा रहा होता है। अच्छा हाँ जी, ये इसकी समझ आ गई है, कुछ आइडिया हुआ या इस पे मज़ीद कुछ बताऊँ? अच्छा, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज सैड मीन बाय द फ्रेज ब्लॉकिंग अदर्स नैरेटिव डिस्कस बाय कंक्रीट एग्जांपल्स। ये वही चीज़ है लिटरेरी, जैसे ऊपर हमने बात की ना, तो ह्यूमन हिस्ट्री से और आप वहाँ से जब आप देते हैं कि ब्लॉकिंग अदर नैरेटिव्स, तो इसका मतलब कि आपने एलुजंस लिटरेचर से ड्रा करने हैं और आपने तारीख से ह्यूमन परिनो इंसान की तारीख से भी एलुजंस देने हैं। ठीक है, ये दोनों से आपने हवाले देने हैं इसके अंदर, और कोई बात नहीं करनी। और साथ में कहते हैं ब्लॉक करें आप इस नैरेटिव को, पहले नैरेटिव आप दिखाएंगे कौन सी नैरेटिव। वो खुद कहते हैं ना कि नैरेटिव इज़ क्रूशियल टू माय आर्गुमेंट हियर, माय बेसिक पॉइंट बीइंग दैट द स्टोरी दैट स्टोरी आर दैट आर एट आर द हार्ट ऑफ व्हाट एक्सप्लोरर्स एंड नॉवलिस्ट से अबाउट स्ट्रेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आल्सो बिकम द मेथड ऑफ कॉलोनाइज पीपल used to assert their identity and existence of their own history। यानी कि दिखाता है कि जब आप emancipation की narratives देते हैं, enlightenment की, तो इससे क्या होता है कि वो लोग जो है वो imperialism के खिलाफ बोलते हैं। So आप किस तरह दूसरी narratives को block करेंगे? Literary text के ज़रिए जो बातें उसने की कि literary text में ये जिस तरह वो कर रहे हैं, दिखाता है ना कि ये देखो ये दूसरी नैरेटिव है, वहाँ की नैरेटिव है, यानी कि उनका जो बयानिया है गोरे का जो बयानिया वो ये है, ये हमारे पास है गोरे का बयानिया। तो इस गोरे का बयानिया उसके अदब में भी नज़र आ रहा है, उसके सामने आपने खुद बांध बांधना है, आप वो वाला लिटरेचर प्रोड्यूस करें जो उनके मुकाबले का हो, जो उनके पाए का हो, उनके लेवल का हो। पहले मैंने बात की कि दूसरों की नैरेटिव क्या थी, अदर्स नैरेटिव, आप एग्जांपल्स देंगे लिटरेरी टेक्स के, ये दूसरों की नैरेटिव है, तारीख में से देंगे कि ये आके रोमन्स करते थे या ये आके बाकी ताकतें करती थी, जो उसने एडवर्ड सैड ने एग्जांपल दी उन्हीं को आप बताएंगे। उसके बाद आप दिखाएंगे कि इसका हल क्या हो सकता है, कि आप उस लेवल का उसका अल्टरनेटिव आप प्रोड्यूस करें। खैर, एडवर्ड सैड इज़ इनफैक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग, and if you would love to read anything you must read him, theek hai, you must listen to his I would suggest you must listen to his lectures also, ki iske andar bahut kuch hai, main aapko bataun bahut kuch hai, aapki aankhein kholne ke liye bahut kuch hai। part 1 mein ye aur part 2 mein novels, heart of darkness, things fall apart, उसके अलावा लिटरेरी क्रिटिज्म से रिलेटेड एक है कैथरीन बेल्ज, बहुत कुछ है इनके अंदर जो कि आपको आपकी इनसाइट जो उसको डेवलप करने में कारामद साबित होता है। ठीक है, सो मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है, अभी मैंने तो आपके साथ डिस्कस कर लिए, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई आपके जहन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए, अभी आपका टाइम शुरू हो चुका है। लाइव आपको जूम पर इसीलिए लिया कि आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। अलीज़ा, आनू, हनी, जराल, सादिया, जैन, चार बंदे आज तशरीफ़ लाए, बाकी लोग गायब हैं। आई नो कि एग्ज़ाम का बड़ा प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के अलावा इस चीज़ का भी मसला होता है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया तो अब आगे की टेंशन होती है, थके हुए आते हैं, एग्जॉस्टेड, बट मजबूरी है, हेल्प करनी थी आपको, गाइड करना था, तो मैंने इसीलिए सब कुछ किया। क्वेश्चन कोई है तो प्लीज़ आप इस पर ज़रूर पूछिए, कल टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम दो तीन राइटर्स और भी डिस्कस कर लेंगे।
कोई सवाल एडवर्ड साइड पे है तो प्लीज बताइए। हाँ जी, नो क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ढेर सारी दुआओं के साथ खुश रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।